अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। मैं हां तड़ा अपना शहबाज़ रसूल। आखिरी दो माह दे विच असां अपने जानवर की तैयारी किस तरह करनी है? बहुत सारे फार्मर सवाल करते हैं कि सानू कोई ऐसा देसी नुस्खा दसो, उदी डाइट दसो, उदा बंडा दसो, की करना चाहिए। अज इहदे ते गल करांगे और अज दी गुफ्तगू दे विच तुहानू मैं देंगा एक ऐसा देसी नुस्खा जिहदे अल्लाह दे फज़ल व करम नाल 99.9% जरा ना वो रिजल्ट लगभग, और अगर उस नुस्खे का तुम इस्तेमाल करोगे तो जिसमें जानवर तैयार होगा ना, तो अल्लाह के फजलो करम ने लोगों को बुला के कोई दसोगे कि देख मेरा जानवर किस तरह का तैयार हो। देखो अभी आखिरी दो माह की जिस हम गल करने हैं ना, तो याद रखो असा अपने जानवर को आखिरी दो माह दुध का एक कतरा भी होंगे ना वह भी नहीं लेना। वो वजह की है जिसमें असं आखिरी दो माह अपने को अपने जानवर को दुध लैने ना, तो असं जानवर से भी जुलम करने, असं अपने आप से भी जुलम करने। वजह की देखो आखिरी दो माह जिस टाइम असं जानवर को दुध लैने, तो जोड़ा जानवर सानू 15-18 लीटर दुध जो असा ले आता ना माजी के बच्चा देने तो बाद 10-12-13 किलो दुध देगा। फिर फार्मर सवाल करते हैं कि दसो इन की दईए भाई, उन्होंने देना की है? जो देन का उन्होंने वक्त से उदू सू दिता को नहीं की कहें वेले की नमाज से कवेले दिया टकर। गल है कि आखिरी दो माह के असा जानवर को दुध नहीं लैना, वो वजह की है? जानवर से त्रै तरह जिम्मेदारियां आयद होंगे ने। एक जिम्मेदारी जानवर ने अपनी जिस्मानी जरूरत पूरा करना है, जानवर ने जो पेट के अंदर बच्चा है उन्हें वो खुराक का बंदोबस्त करना है, तो जानवर ने बच्चा देने तो बाद सानू दुध देन वास्ते उन्हें अपने आप को तैयार करना है। साड़ी रूटीन की होंगी है कि आखिरी दो माह के आने के जानवर सानू कुछ नहीं देता, तो असा इन्हू कुछ नहीं देना, उन्हें एक साइड से बन छड़ी दा, तो जानवरों का जो बच्चा कुचया असं उसके अगे पे सड़ने, असं कहने कि ठीक है अपना गुजारा कर लो, अपना गुजारा तो कर लेंदी है, लेकिन बच्चा देने तो बाद सानू उस तरह तैयार होकर दुध वो नहीं देगी। उन्हें खुराक की देनी? देखो आखिरी दो माह के ना कोशिश करनी है कि जानवर को कब्ज़ ना हो, कोशिश करनी है जानवर को असं सबज चारा देिए, कोशिश करनी है जानवर को 24 घंटे बाद पानी जोड़ा वो दस्तियाब हो। जानवर को आखिरी दो माह के अच्छी गजाई अहमियत की जी है ना वो खुराक चाहिए होंगी है, अच्छी प्रोटीन चाहिए होंगी, अच्छा उन्होंने एनर्जी का कोई सोर्स चाहिए होंगे, और समझ लो कि ज़्यादा वॉल्यूम से असं खुराक नहीं देनी, उन्होंने खुराक असं वॉल्यूम च घट देनी है, लेकिन उन्होंने चंगी खुराक देनी है। हूँ तुम सवाल करोगे कि किहड़ा बंडा पाना चाहिए? भाई अगर असं अपना बंडा बना नहीं सकते ना, तो सानू मार्केट चो कोई दुध वाला अच्छा बंडा जिहड़ा ना वो जानवर को सुबह भी इस्तेमाल करना चाहिए, तो शाम भी इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार आखिरी दो माह जानवर है तो खल बोरी की लैवो ना, तो जानवर को खवा दो तो ठीक है, जरा जिस्मानी जरूरत पूरी हो जाएगी। याद रखो जानवर खल जी है ना, खल वो सिर्फ प्रोटीन का सोर्स होंगे, नाल इन्हूं एनर्जी का भी कोई सोर्स चाहिए होंगे, और जिस टाइम नाल असीं इन्हूं कोई एनर्जी का सोर्स देंगे, नाल पानी देंगे, नाल अच्छी खुराक देंगे, तो वह जानवर की जिस्मानी जरूरत जी पूरी हो जाएगी। हूँ देखो अगर उस जानवर से माजी दे विच कोई मस्टाइटिस का हमला होया सी, साड़ू का हमला होया सी, कोई थन घट हो गया सी, या किसी थन चो पानी आंदा सी, या किसी थन चो जिहड़ा ना दुध सही नहीं सी आंदा, जानवर दुध घटा गया सी कोई थन दे विचों, या उहदा हवाना जिहड़ा वो यानी बराबर नहीं सी रहा, वो लावा हो गया सी, तो करना की है? नुस्खा दसन लगा, इहनू याद रखो, इहनू लिख लो और अपने पल्ले बन लो, ये अल्लाह के फजलो करम नाल तुहानू जिहड़े रिजल्ट लभणगे ना वो आउटस्टैंडिंग होणगे, क्योंकि मैं ऑलरेडी तजर्बात करके तुहाडे नाल मैं शेयर कर रहा। पिछले माधी च भी मैं शेयर किया, बड़ा अच्छा इहदा रिस्पांस आया। करना की देखो अगर सर्दियां होना तो डाल्टा घ्यो 1 किलो लै लेना, उहदे च 1/2 किलो लहसुन थोम देसी उहदा इस्तेमाल करना, और 200 ग्राम चाटरी जिहनूं असीं 7 लीमू कहिंदे आ, तुहानूं किसे भी पंसार स्टोर तों लभ जाएगी, उहदा इस्तेमाल करना, और उड़ा डाल्टा घ्यो उन्हें चूल्हे पर रखना, गर्म करना है, बेच तुसा वो लहसुन जरा साफ करके सटना है, जिस टाइम वो गर्म हो के रेडिश ब्राउन होने लगे ना, अपनी रंगत तब्दील कर लगे, तो थले ला लेना, नीम गर्म हो जाए तो वह टाटरी जी हल कर लेनी,
यह नुस्खा चुक के फ्रिज च रख सड़ना है, इन छे खुराक बना लेनिया ने, सर्दियां आन तो एक दिन छड़ के एक दिन जरा ना खुराक देंदे दे जाओ। एक किलो नुस्खे नाल सर्दियां जी तुहाड़ियां 12 खुराक बढ़नगियां। अगर गर्मियां आन तो डाल्टा घ्यो की जगह पर तुसां सरसों आयल का इस्तेमाल करना, और गर्मियों के विच तुसां 2 दिन का वक्फा पा के ना तो जानवर नूं खुराक देनी है, और गर्मियां आन या सर्दियां आन घट तो घट जानवर के जिसम के अंदर समझ लो कि 4-5 किलो यह नुस्खा जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए? देखो जो डाल्टा घ्यो है ना या सरसों आयल, यह ताकत एनर्जी का सोर्स है। जो थोम इस्तेमाल करवा रहे हैं एंटीबायोटिक का सोर्स है, और जो टाटरी है 7 लीमू विटामिन सी का सोर्स है, और जिस समय ना सारिया चीज़ों का कंबीनेशन बनता है ना तो समझ लो कि यह जानवर के हैवाने के जिन्हें मसाइल है यह नुस्खा जानवर की जिस्मानी जरूरत को पूरा करन दे नाल नाल जानवर के हैवाने जिन्हें मसाइल है उन्होंने दूर करन दे विच कारगर साबित होंदा। उम्मीद करांगा अज की गुफ्तगू तुहानू पसंद आई होगी। अगर तुम समझते हो कि इन शेयर करन नाल किसी फार्मर का फायदा हो सकता है, किसी जानवर का फायदा हो सकता है, तो लाजमी तुम शेयर भी करो, कमेंट भी करो, चैनल नू सब्सक्राइब भी करो, मेरे वास्ते भी दुआ करो, अपना भी ख्याल रखो। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।